दो जवानों को शहीद करने वाले उग्रवादी संगठन एनएससीएन के उग्रवादी को असम राइफल्स ने गिरफ्तार किया है। यांगहांग उर्फ मोपा नाम के इस उग्रवादी को असम राइफल्स ने नागालैंड के अबोई मोन रोड से पकड़ा है। मोपा इसी साल मई में असम राइफल की टुकड़ी पर हमला करने के मामले का जिम्मेदार है। उस हमले में दो जवान शहीद हो गए थे। खुफिया जानकारी के आधार पर 21 जून को तकरीबन सेना और असम राइफल्स ने ऑपरेशन शुरू किया। खबर मिली थी कि मोपा अबोई मोन रोड पर है, जहां उसे दबोच लिया गया। बिहार में एंसेफेलाइटिस से मासूमों की मौत का मामला संसद के दोनों सदनों में गूंजा। इस मामले में सरकार पर ताबड़तोड़ हमले करने वाली कांग्रेस ने लोकसभा में भी तीखे तेवर दिखाए। और बच्चों के कुपोषण के मुद्दे पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बिहार में बच्चों की मौत का मुद्दा उठा दिया। इनके फ्लैटिस की त्रासदी से 150 से ज्यादा लोग बच्चे के मौत हो चुके हैं। यही नहीं, कांग्रेस ने बच्चों की मौत के लिए भुखमरी को जिम्मेदार ठहराते हुए इस समस्या का हल ढूंढने के लिए एक नारा भी दिया। क्यों ना ये नारा लगाया जाए कि वन नेशन इक्वल न्यूट्रिशन। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के सवालों का जवाब दिया। एज अ मिनिस्टर एंड एज अ मदर I join cause with any member of the house who thinks about the child life lost। इससे पहले राज्यसभा में भी चमकी बुखार का मुद्दा उठा और इसकी वजह से जान गंवाने वाले बच्चों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। बिहार में चमकी बुखार से मरने वाले बच्चों की मौत का आंकड़ा 150 के पार पहुंच गया है। बच्चों की मौत के साथ एंसेफेलाइटिस की वजह से लीची के कारोबार पर पड़े बुरे असर का मुद्दा भी लोकसभा में उठा, क्योंकि बिहार में एंसेफेलाइटिस की एक वजह लीची को भी माना जा रहा है, जिसकी वजह से मुजफ्फरपुर के लीची कारोबार पर बुरा असर पड़ा। और लोकसभा में चमकी बुखार पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने ये मुद्दा उठाया। हजारों करोड़ का लीची पूरे भारतवर्ष में जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो बंदरगाहों पर रखा हुआ है। उन्होंने किसानों को हो रहे नुकसान पर चिंता जताते हुए लीची पर फैली अफवाहों के पीछे साजिश का भी शक जताया। एंसेफेलाइटिस का कारण क्या था, ये बच्चे मरे तो क्यों मरे, मात्र लीची को दोष दे देना, कहीं ये साजिश ना हो। मुजफ्फरपुर में लीची के कारोबार से जुड़े किसानों को भी अफवाहों के पीछे साजिश नजर आई। मैंगो लॉबी पिछले 10-15 वर्ष से इसके खिलाफ में भ्रांति फैला रहा है। वहीं डॉक्टरों ने भी लोगों से लीची की वजह से चमकी बुखार होने की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। कुछ नहीं है लीची में, अभी लीची कहाँ से चल रहा है हमको नहीं पता। बिहार में चमकी बुखार फैलने के बाद से ही लीची विवादों में आ गई और बच्चों की मौत को लीची खाने से जोड़ते हुए तरह तरह की अफवाहें भी उड़ाई गई, जिसकी वजह से पिछले एक हफ्ते में देश भर में लीची की बिक्री में करीब 30% तक की गिरावट आ गई। लीची के कारोबार में मंदी का सबसे बुरा असर मुजफ्फरपुर के किसानों पर पड़ा, क्योंकि मुजफ्फरपुर को लीची उत्पादन का गढ़ माना जाता है और करीब 2 महीने तक लीची की फसल से वहाँ के हजारों किसानों की रोजी रोटी चलती। लेकिन चमकी बुखार की वजह से मुजफ्फरपुर का लीची कारोबार घाटे में आ गया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट 5 जुलाई को आने वाला है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम अर्थशास्त्रियों के साथ अहम बैठक करने वाले हैं। खबरों के मुताबिक इस बैठक में 5 मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, जिनमें पहला है अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। इसके साथ ही बैठक में कृषि क्षेत्र में विकास दर को बढ़ाने की चुनौतियों पर भी चर्चा हो सकती है। निर्यात बढ़ाने के लिए क्या फैसले लिए जाएं, इस पर भी बैठक में विचार किया जा सकता है। साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए और क्या कदम उठाए जाएं, इस पर भी मंथन संभव है। जबकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार और नई शिक्षा नीति पर भी चर्चा हो सकती है। हांगकांग के नागरिकों पर चीन में केस चलाए जाने से जुड़े बिल के खिलाफ फिर हजारों लोग सड़कों पर उतरे। बीते हफ्ते हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद वहां की सरकार ने संसद में बिल पर होने वाली वोटिंग को टाल दिया था, लेकिन वहां के लोग बिल को वापस लेने की मांग पर ही अड़े हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हजारों की तादाद में लोगों ने वहां के पुलिस मुख्यालय को घेर लिया। पुलिस मुख्यालय की तरह ही लोगों ने वहां के आयकर विभाग के दफ्तर पर भी धावा बोला। उन्होंने बैरिकेडिंग करके वहां की सड़क बंद कर दी। विरोध जताने के लिए वो लोग भी आए जो पिछले हफ्ते के प्रदर्शन में घायल हो गए थे, जिनकी तादाद सरकार के एक बयान में 72 बताई गई थी। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की हिंसक कार्रवाई के बाद हांगकांग सरकार की प्रमुख ने सबके सामने माफी भी मांगी थी,
लेकिन इससे प्रदर्शनकारियों का गुस्सा न तो कम हुआ और न ही उनका विरोध रुका। इसीलिए पुलिस मुख्यालय के बाहर तो लोगों की भीड़ थी ही, लेकिन इससे कहीं ज्यादा लोग संसद के बाहर नजर आए। उन्होंने संसद के पास के हाईवे को बंद कर दिया। हालांकि इस दौरान उन्होंने सड़क से गाड़ियों के गुजरने के लिए रास्ता भी छोड़ रखा था। कुछ लोग पोस्टर लेकर संसद की एक इमारत में धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ चीन के दखल को बढ़ाने वाले प्रत्यर्पण बिल को वापस लेने की मांग की, बल्कि उन्होंने चीन के समर्थन वाली नेता कैरी